इस कहानी की शुरुआत पर हम देखते हैं उसी डायरेक्टर को जिसने स्कूल में यूया की फोटो खींची होती है। वो किसी चीज की तैयारी कर रही होती है, उसने यूया के नाम पे मैगजीन बना दी होती है। अब बस वो पब्लिश करने का इंतजार कर रही होती है और उसके बाद वो यूया को ऑफर देगी ताकि वो उनकी एजेंसी को ज्वाइन कर ले। वहीं पे हम यूया और कावरी को देखते हैं जो कि आने वाले टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ यूया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसी वजह से कावरी से समझा रही होती है। यूया कावरी को शुक्रिया करता है उसे मैथ की प्रॉब्लम समझाने में, पर कावरी कहती है वो भी उसकी जैपनीज और इंग्लिश सुधारने में काफी हेल्प कर रहा है, पर यूया कहता है ये तो मेरी स्किल की मदद से है। फिर हमें कुछ देर पहले दिखाया जाता है जहाँ यूया मैथ के लिए काफी प्रॉब्लम में होता है, तो कावरी से सजेशन देती है कि हम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर यूया को प्रॉब्लम आई तो कावरी उसकी मदद कर पाएगी और अगर कावरी को प्रॉब्लम आई तो यूया उसकी मदद कर देगा। फिर हम देखते हैं जो कावरी है वो कहती है उसे वॉशरूम जाना है, यूया उसे बता देता है, जिसके बाद कावरी चली जाती है। पर यूया पहली बार किसी लड़कियों को अपने रूम में लाया होता है, इसी वजह से वो थोड़ा नर्वस होता है। पर हम देखते हैं कावरी को जो कि गलती से उस दरवाजे को खोल देती है जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्ट होता है। उतने में यहाँ यूया भी आ जाता है, कावरी से पूछते आखिरकार ये सब है क्या। मैं बाथरूम में थी, अचानक से मुझे एक आवाज आई जिसके बाद अचानक से एक दीवार दूसरी साइड गिर गई जिसके बाद मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ यूया कहता है दरअसल तुम इस चीज पे विश्वास तो नहीं करोगी पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो दरवाजा है वो दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे तुम अपना हाथ रख सकते हो जिसके बाद तुम अंदर जा पाओगी, मैं तुम्हें परमिशन दूंगा तभी तुम जा पाओगी, वरना मेरे परमिशन के अलावा इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। कावरी कहती है ये सब तो मैं समझ गई पर ये दूसरी दुनिया क्या है। तो यूया इसे बताता है कि जैसे तुमने सुना वैसा ही ये अर्थ के अलावा एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे तुम तरह तरह के मैजिक यूज कर सकते हो और ये काफी अच्छी दुनिया है। जिसके बाद यहाँ पे ये वाटर मैजिक करके दिखाता है और कहता है कि इस दुनिया में इसने काफी सारे मैजिक सीखे है जिस वजह से इतना ताकतवर बन पाया और जिस वजह से इसने गैंगस्टर को हराया और साथ ही साथ इसको जिस टाइम मॉल में आग लगी थी उस टाइम इसे नहीं बचाया था। जिसके बाद ये कावरी से हाथ मांगता है ताकि ये दूसरी दुनिया में जा सके। ये जब दूसरी दुनिया में आते हैं तो कावरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूया फिर कावरी को अकासुकी और नाइट के बारे में बताता है कि ये दोनों इसी दुनिया में इसे मिले और साथ ही साथ इस सिस्टम के बारे में बताता है जो कि आपका लेवल मेजर करती है। कावरी ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो कहती कि सचमुच ये दूसरी दुनिया है। जिसके बाद यूया इसे बताता है कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिस तरह के इंसान को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, पहले मैं काफी मोटा हुआ करता था पर उसके बाद मेरी जिंदगी में चीट खिलता है जिसके बाद मैंने काफी सारी चीजें गेन किया है और उसी के साथ मेरी जो बॉडी है वो भी चेंज हो गई। जिसके बाद कावरी से कहती कि मैं बाहर घूमना चाहती हूँ पर ये कहता है कि तुम बाहर नहीं घूम सकती, यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, इसके बाहर तुम्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलेंगे जो कि तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो कावरी कहती है कि जब तुम फ्री हो गए मुझे ये दुनिया घुमाना जरूरी। यूया कहता है कि हाँ ये मेरा प्रॉमिस है, पर यूया कहता है कि जो भी चीज आज मैंने तुम्हें दिखाई है ये सारी चीजें तुम्हें सीक्रेट रखनी पड़ेगी, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। तो कावरी से पूछती है क्या इसका मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप काफी स्पेशल है, ये कहता है कि हाँ। वो हमें रॉयल कैपिटल के यहाँ दिखाया जाता है जब हम देखते हैं लेक्सिया को जो कि अपने फादर को कहती है कि मैं वापस आ गई। इसके फादर से पूछते हैं आखिरकार वो डार्क रीजन वाला लड़का कहाँ पे है, तो यहाँ पे ओवन इसे बताता है कि कुछ हुआ इस वजह से उसका जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया, पर उसने कहा है वो कुछ दिन बाद यहाँ पे जरूर विजिट करेगा। तो यहाँ पे किंग फिर से पूछता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। लूना इन्हें बता देती है कि वो एक असैसिन है जिसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की। किंग कहते हैं ऐसा है क्या, तुम अपने मिशन में फेल हो गई, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। लूना इन्हें बताते है कि मैं मरना चाहती थी पर लेक्सिया ने मेरी जान बचा ली, पर किंग कहते है कि तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की पर अब तुम मेरे सामने खड़ी हो और ये सारी चीजें सीना चौड़ा करके बोल रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। जिसके बाद किंग इसके ऊपर हमला कर लेते हैं पर लूना अपने थ्रेड की मदद से किंग को रोक देती है। यहाँ पे किंग फिर पूछते हैं तुमने तलवार के ऊपर वार क्यों नहीं किया, ये कहती है अगर मैं तलवार के ऊपर वार करती तो वो तलवार मुझे चीर के रख देती। उतने में लेक्सिया उसके फादर को समझाते हैं कि लूना को उसने एक बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया है, अगर उन्होंने लूना से हेट किया तो लेक्सिया उनसे हेट करने लग जाएगी और वो एक बॉडीगार्ड के तौर पर रहेगी लेक्सिया के साथ हमेशा। तो किंग इसकी बात को मान जाते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि लूना कम से कम तुम इस थ्रेड को निकाल दो, ये काफी ज्यादा चुभ रहा है। तो लूना इसके जो थ्रेड है उन्हें निकाल देती है। यहाँ पे फिर किंग सोचते हैं अकेले में बैठ के कि आखिरकार मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो मुझे हेट करेगी, इस वजह से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, पर ये जो लड़की है ये काफी ज्यादा स्किल लगती है ओवन। ओवन ने बताता है कि वो हेड हंटर के नाम से जानी जाती थी जो कि डार्क गिल्ड में रहती थी, पर किंग इसे पूछता है आखिरकार लूना का उस डार्क रीजन वाले लड़के से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे ओवन ने बताता है कि यूया ने उसे पकड़ा था जिसके बाद लेक्सिया और लूना ने उस लड़के के घर में एक रात बिताई थी। तो किंग कहते कि क्या लेक्सिया उस लड़के के घर में गई थी, ये कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। किंग कहते तुम्हारे
तुम्हारे फिर कहने का मतलब क्या था? उस लड़के के घर में लेक्सिया एक रात बिता के आई है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि मेरी बेटी के साथ उसने एक रात बिताई? लगता है मेरे तलवार को वापिस से फ्रेश करने का समय हो चुका है। पर ओवन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर किंग कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते कि डार्क गिल्ड की जो असैसिन थी वो लेक्सिया को मारने में नाकामयाब रही। उसे किसी ने पकड़ लिया जो कि डार्क रीजन में रहता था। तो ये कहता है कि तुम्हारा कहने का आखिरकार मतलब क्या है? तो ये पर्सन इसे बताता कि डार्क रीजन वाले इंसान को रॉयल पैलेस में इनवाइट किया गया है। आपका इसमें क्या कहना है योर हाइनेस? तो यहाँ पे ये कहता है कि लगता है यही सही समय है मेरे फादर और साथ ही साथ लेक्सिया को खत्म करने का। और जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है अगर आपने ऐसा किया तो आपकी राजगद्दी में खतरा आ सकता है। तो ये कहता है कि एक ना एक दिन मुझे किंग तो बनना ही है और उन दोनों को मारने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा वेपन दूंगा जिसके सामने वो टिक नहीं सकते। ये एक मैजिक सीलिंग बैरियर है, अगर इसको पूरे महल के आसपास घेर दोगे तो वो मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तुम ही लोग यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ जो भी इसके बाहर होगा वो इसके अंदर नहीं घुस पाएगा जब तक हम उसको परमिशन नहीं देते। और साथ ही साथ जो अंदर लड़ने वाला होगा वो सिर्फ ओवन होगा, वो हमारे सामने नहीं टिक सकता क्योंकि हम काफी सारे ग्रुप्स में जाएंगे। पर अगर ये मिशन फेल हो गया तो जितना भी इल्जाम है उस डार्क रीजन वाले लड़के पर हम लगा सकते हैं क्योंकि वो इस रीजन में नया है, इस वजह से लोग हमारे ऊपर विश्वास भी करेंगे। वो लड़का मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा। वही हमें पता चलता है डार्क लीजन में, जहाँ पे यूया की अब 3 दिन के लिए छुट्टी पड़ चुकी है। इस वजह से उसने फैसला किया होता है ये 3 दिन के अंदर रॉयल कैपिटल में जाएगा। यूया फिर एक भेड़ का शिकार करता है जिससे इसे एक फुटन मिलता है सोने के लिए और साथ ही साथ तकिया भी। यूया फिर एक पास की सिटी में आ जाता है जिसका ओवन ने इसे एड्रेस दिया होता है। पर यूया के पास इस दुनिया के पैसे नहीं है, इसी वजह से थोड़े पैसे कमाने के लिए वो किसी मर्चेंट गिल्ड में चले जाता है जहाँ पे जो मर्चेंट है वो इसका नाम देके थोड़ा सा अजीब फील करता है। पर वो कहता है कि लगता है तुम नॉबल हो, पर यूया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये पर्सन फिर यूया से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे बेचने के लिए क्या आए हो? यूया फिर अब आइटम बॉक्स से कई सारे मसाले निकाल लेता और कहता है ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ। ये पर्सन जब मसाले को डब्बों को देखता है तो वो कांच के बने होते हैं जो कि इस दुनिया में रेयर है और साथ ही साथ जो मसाले वो काफी अच्छे होते हैं। इस वजह से यूया को 100 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। पर यूया कहता है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हो? तो ये पर्सन इसे बताता है कि 4 गोल्ड कॉइन से 4 जन का परिवार आराम से 1 साल तक बिना कुछ किए खा सकता है। तो तुम्हारे पास 100 गोल्ड कॉइन्स है, तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। ये पर्सन फिर यूया को एक आईडी कार्ड दे देता और कहता है ये मर्चेंट गिल्ड कार्ड है जिससे तुम कहीं पे भी कुछ भी बेच सकते हो। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ यूया रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुका होता है। यहाँ पे काफी देर इंतजार करने के बाद ये रॉयल कैपिटल तक पहुंच जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इसे मिलते हैं और साथ ही साथ एल्फ और अलग अलग प्रजातियां भी देखती है इसे। इसे फिर रॉयल पैलेस दिख जाता है जहाँ पे ये पहुंच जाता है, जहाँ पे ओवन इसका स्वागत करता है और कहता है कि जो किंग है वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहते है, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए एक ऑडियंस भी अरेंज किया है। पर यूया कहता है कि मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, मैं किंग से कैसे मिलूंगा? तो ओवन कहता है ये एक प्राइवेट मीटिंग है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूया इस चीज के लिए मान जाता है। यूया को फिर किंग के सामने ले जाया जाता है जहाँ किंग उसका वेट कर रहे होते हैं। यूया देखता है कि यहाँ पे लेक्सिया भी होती है तो उसकी जो घबराहट है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे फिर ये किंग से मिलता है। यहाँ ओवन बताता है कि योर मैजेस्टी यूया आपके सामने है। यूया भी फिर किंग के सामने झुक जाता है, जिसके बाद जो किंग है वो यूया से पूछता है क्या वही तुम लड़के हो जिसने मेरी बेटी यानी कि लेक्सिया की जान बचाई थी? तो यूया कहता है कि हाँ। जिसके बाद ये पूछता है क्या तुम वही लड़के हो जिसे मेरी प्यारी बेटी ने प्रपोज किया था शादी के लिए? क्या तुम वही लड़के हो जो कि मेरी बेटी को सड्यूस करता रहता है? यूया कहता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। ओवन फिर किंग को समझाता है कि किंग अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, किंग के तौर पर देखिए। पर किंग कहता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, तुम भी मेरे साथी हो, तुम मेरा साथ दो, तुम उसके साइड क्यों ले रहे हो? ओवन फिर किंग को समझाने लग जाता है कि जैसा आप यूया को समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। किंग फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पे खाली हाथ आए हो, मेरी प्यारी बेटी के लिए तुम कुछ लाए भी नहीं। तो यूया कहता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है जो लेक्सिया को पसंद आएगी, आपको क्या लगता है? ये एक सॉफ्ट सी बेडशीट है जिसमें लेक्सिया जैसी लोटेगी उसको नींद आ जाएगी। पर सब लोग कहते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये तो पैराडाइज बेडिंग जैसा लग रहा है। तो उतने में किंग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम डायरेक्ट लेक्सिया को अपनी बेडिंग में सुलाना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मेरी बेटी को सड्यूस करने की? पर अचानक से बीच में ओवन आ जाता है और कहता है कि यूया को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो यूया कहता है कि आखिरकार क्या हुआ? तो ओवन इसे बताता है कि अगर तुम किसी को बैटिंग दे रहे हो इसका मतलब तुम उस पर्सन से शादी करना चाहते हो और उसके साथ बेड पे सोना चाहते हो। पर यूया कहता है कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो सिर्फ ये गिफ्ट के तौर पर लाया था। उतने में किंग कहते हैं कि तुमने बहुत कर लिया, अब तुम्हारी गर्दन को मेरे ब्लेड का स्वाद चखना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये यूया के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। पर उतने में यहाँ पे मास्क वाले कुछ इंसान आ जाते हैं
किंग फिरिन सबसे पूछते हैं, आखिरकार तुम सब हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सब बताते हैं कि तुम सब अभी मरने वाले हो, तो तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद ये सब यहाँ पे एक बैरियर का यूज करते हैं, जिस वजह से इनमें से कोई भी यहाँ पे मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता। पर यूया के पास चीट स्किल है और साथ ही साथ उसके पास फिजिकल एबिलिटी भी काफी ज्यादा है, इस वजह से इनमें से कोई भी यूया के सामने नहीं टिक पाता और ये सभी के सभी यूया के सामने हार जाते हैं। उतने में यहाँ पे लेक्सी आ जाती है जो की यूया से चिपक जाती है और कहती है कि यूया तुम काफी ताकतवर हो, तुमने इन्हें काफी जल्दी हरा दिया। उतने में यहाँ पे लूना भी आ जाते हैं जो कि लेक्सी को खींच रही होती है और कह रही होती है कि इससे इतना चिपको मत। यहाँ पे उतने में हम देखते हैं जो लेक्सी के फादर है वो यहाँ पे तलवार लेके आ जाते हैं और लेक्सी उसके फादर को समझाते है कि यूया ने उसकी जान बचाई है, उससे रिस्पेक्ट से बात करी है। फिर ये सब जब उनकी तलाशी लेते हैं तो इन्हें एक बैज मिलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे लेक्सी कहती है ये तो मेरे बड़े भाई का है, इसका मतलब इसके बड़े भाई ने इनके ऊपर हमला करवाया। उतने में यहाँ पे ओवन आता है जो की यूया को कहता है कि यूया मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि हम इस रॉयल किंगडम को बचा सके, क्या तुम हमारा साथ दोगे। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी डेली वीडियो लाते रहता हूँ, तो प्लीज बस घंटा दबा दो और बस सब्सक्राइब कर दो और बस यार थोड़े वीडियो को शेयर भी कर दो, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं आजकल के टाइम पर। बस हाँ यार गिव अप तो नहीं करना है, एक बार शुरू कर दिया तो भाई बहुत आगे जाना है, मुझे पता है डाउनफॉल आता है और ऊपर भी जाते हैं। बस हाँ यार थोड़ा ज्यादा देखने की कोशिश करो, बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।